हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एडजस्टमेंट्स। सर, कौन से एडजस्टमेंट्स? जब आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स करते हैं तो उसमें कौन कौन से एडजस्टमेंट हो सकते हैं? भाई, आपने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाया, उससे आपने कैपिटल निकाल ली। आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाया, उससे आपने कैपिटल निकाल ली। ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है, ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। उसके बाद आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाया और उसमें आपने जो है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल और देन माइनस फ्रेश कैपिटल प्लस ड्राइंग्स करके आपने प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है। बट ये प्रॉफिट है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अब इसमें एडजस्टमेंट होते हैं। सर, वो एडजस्टमेंट क्या होते हैं? बस इसी के लिए मैं ये टॉपिक जो है वो आपको समझा रहा हूं कि क्या है। क्योंकि कई जनों कह रहे हैं उन्होंने याद कर रखे हैं, पर उनका लॉजिक क्या है, उस लॉजिक को आपको समझने की जरूरत है। जैसे मैं आपको कहूंगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहां आके आपके लेस होंगे। सर, क्यों होंगे? तो इसको कनेक्ट करो। आपको ये पता है, मैं कनेक्ट कर रहा हूं जिससे आपको एक एंगल मिलेगा सोचने का कि चीज है क्या। याद करो, जब आप फाइनल अकाउंट्स पिछले चैप्टर में कर रहे थे और आप वहां सैलरी लिखते थे तो उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या करते थे? ऐड करते थे। अगर आपको याद हो, आप जब पीएनएल में सैलरी लिखते थे तो उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड करते थे। इससे क्या होता था, ध्यान से सुनना, आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ सैलरी में ऐड करने से आपकी सैलरी का खर्चा बढ़ जाता था। खर्चा बढ़ जाने से आपका प्रॉफिट कम होता था, यानी प्रॉफिट पे उसका असर पड़ता था कि प्रॉफिट इससे कम होता है। इसीलिए प्रॉफिट के पे तो हम असर देख रहे हैं, प्रॉफिट में ही क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है? एक और देखते हैं सर, प्रीपेड का क्या होगा? तो याद करो, अगर आप सैलरी यहाँ लिखते और प्रीपेड आप क्या करते थे, लेस करते थे, यानी प्रीपेड को लेस करने से आपके खर्चे कम हो जाते हैं। प्रीपेड या लेस करने से आपके खर्चे कम हो जाते हैं। खर्चे कम होने से आपका प्रॉफिट बढ़ता था। खर्चे कम होने से आपका प्रॉफिट बढ़ता था। तो प्रॉफिट में वो चीज क्या होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए। इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, लेस होते हैं। इसके अलावा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ध्यान दें, प्रोविजन फॉर बैड डेट जब आप यहां बनाते हैं तो यहां डेबिट साइड में लिखते थे, पीएन के डेबिट साइड में, इससे आपके प्रोविजन फॉर बैड डेट से आपके खर्चे बढ़ते थे क्योंकि आप डेबिट में लिख रहे हैं। खर्चे बढ़ने से आपका प्रॉफिट क्या होता था, कम होता था। प्रॉफिट क्या होता था, कम होता था। तो प्रॉफिट कम करना है तो यहां लिखना पड़ेगा लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इसके अलावा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी आप पीएन की डेबिट साइड में लिखते थे, डेप्रिसिएशन आप पीएन की डेबिट साइड में लिखते थे तो आपके खर्चे बढ़ते थे। खर्चे बढ़ते थे तो आपका प्रॉफिट क्या होता था, कम होता था। प्रॉफिट क्या होता था, कम होता था। तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, तो डेप्रिसिएशन यहाँ क्या होगा, लेस होगा। और भी बहुत सारे एडजस्टमेंट हो सकते हैं, जैसे एक्रूड इनकम। आप याद करो, एक्रूड अगर कोई कमीशन है तो उसमें आप एक्रूड कमीशन ऐड करते थे। तो एक्रूड कमीशन यहाँ ऐड करते थे, ये पीएन की क्रेडिट साइड है, ये आपकी इनकम साइड है। आपने उसमें आइटम ऐड किया है, इसका मतलब कि इससे आपकी इनकम बढ़ रही है। इनकम बढ़ रही है तो प्रॉफिट में बढ़ाना चाहिए, तो ऐड क्या करेंगे, एक्रूड इनकम। ऐसे ही एडवांस इनकम, कोई इंटरेस्ट है आपको एडवांस में मिल गया, जिसे आप अनअर्न्ड भी कहते हैं, उसको आप लेस करते थे। लेस करने से आपकी इनकम कम हो जाती थी, इनकम कम हो जाती थी। इनकम कम हो जाएगी तो प्रॉफिट में से लेस होगा, तो लेस करेंगे क्या, एडवांस इनकम। तो ये सब एडजस्टमेंट आपको एडलेस करने पड़ते हैं, किसके अंदर, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर। जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाते हो तो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट जब ये एडजस्टमेंट करने के बाद निकलता है, उसमें ये एडजस्टमेंट को आप एंगल दीजिए कि सोचे पीएनएल के अंदर कि ये क्या असर डालते थे, वही असर प्रॉफिट में आपको यहां दिखाना है। जो यहां वो प्रॉफिट पे असर डालते थे, वही इफेक्ट आपको यहां दिखाना है। थोड़ा सा एंगल चेंज कर लेते हैं ना तो आपकी चीज बहुत आसान हो जाती है। थोड़ा सा एंगल को चेंज करके देखेंगे तभी ये चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो इनको फिर याद करेंगे तो याद तो कितने दिन तक रहेंगे, कोई लंबे समय तक तो याद रहने नहीं आपको, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट को आपको इस तरीके से करना है, याद रखना है। प्रॉफिट पे उसका असर देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ ऐड हो रहा है, इससे आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। एक्सपेंसेस बढ़ने से आपका प्रॉफिट कम हो रहा है,
प्रॉफिट कम हो रहा है तो प्रॉफिट को कम करना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस होते हैं उससे आपके एक्सपेंसेस कम होते हैं, एक्सपेंसेस कम होने से आपका प्रॉफिट बढ़ता है, इसीलिए उसको ऐड करना है। ठीक है, इसको इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। तो जब आप न्यूमेरिकल करें तो इस ऑर्डर में करें। ओके, थैंक यू।